सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, सऊदी अरब के जद्दा में आज 57 मुस्लिम देश एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में कड़े फैसले लिए जाएंगे, जो इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं फिलिस्तीन पर, इस पे चर्चा की जाएगी। साथ ही सऊदी अरब का ऑनलाइन विजिट वीज़ा, क्या कंट्री और जोड़ी गई है विजिट वीज़े में जिन लोगों को सुविधा दी गई है, तो वो कौन कौन सी कंट्री हैं इसके बारे में बताऊँगा। उसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनका नाम शामिल नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि OIC की तरफ से एक बैठक की जा रही है, जिसमें 18 तारीख को ये बैठक होनी थी। आज 18 तारीख है, तो सभी मुस्लिम देशों की जद्दा के अंदर ये बैठक होगी। उसी समय ये बैठक का ऐलान किया गया था जिस समय इसराइल और गाज़ा की जंग शुरू हो गई थी, लेकिन ये बैठक का जो डेट दी गई थी वो 18 तारीख दी गई थी। तो आज 18 तारीख है, तो इसी संबंध में इस पर चर्चा होगी। अब देखते हैं 57 मुस्लिम देश जो हैं वो किस तरीके के फैसले लेते हैं इस पे। तो ये बैठक की घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन ये बहुत देर कर दी। इसमें अब देखते हैं किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अब तक 2-3 हज़ार फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक अपडेट और आ रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसराइल की तरफ से गाज़ा में एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया रॉकेट द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 लोगों की मौत हो गई। तो इसकी पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है कि इसराइल की तरफ से एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया। तो आप सोच सकते हैं, हॉस्पिटल में जहाँ पर मरीज़ भी थे और भी लोग थे, अपडेट में बताया जा रहा है काफ़ी बच्चों की भी मौत हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। तो इस पर सऊदी अरब का भी बयान सामने आया है। इसराइल की तरफ से जो हॉस्पिटल पर हमला किया गया था, इस पर संयुक्त राष्ट्र और सऊदी अरब ने कड़ी निंदा जताई है। तो आप सोच सकते हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री किस हद तक गिर सकते हैं, यानी कि मासूमों की जान ली जा रही है एक ऐसी जगह पर। आपको पता है कि हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग होंगे, तो एक ही झटके में 500 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी जगह पर ये बम गिराया गया कि पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जा रही है। तो अब देखते हैं किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, जो 57 मुस्लिम देशों की बैठक हो रही है जद्दा में आज। जो भी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और एक अपडेट आ रही है विज़िट वीज़े को लेकर। सऊदी अरब ने 6 देशों को और ये सुविधा दी है ऑनलाइन विज़िट वीज़े की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पूरी कंट्री दिखाऊँगा आप लोगों को, लेकिन इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी का भी नाम शामिल नहीं है। ये लोग ऑनलाइन विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और सऊदी अरब में आकर घूम सकते हैं, और साथ ही उमरा भी कर सकते हैं इन कंट्रियों के आने वाले। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किन किन कंट्रियों के नाम हैं। और अपडेट में बताया गया है कि ये वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और 3 महीने तक कोई भी बंदा सऊदी अरब में रह सकता है। तो ये विज़िट वीज़ा अगर इंडिया के बंदों को मिले, पाकिस्तान को बंदे को मिले, या फिर बांग्लादेश के बंदों को मिले, तब तो फ़ायदा है। ये ऐसी ऐसी कंट्री आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जापान है, किस किन कंट्रियों को दिए गए हैं। ये सऊदी अरब ने सिर्फ घूमने के तौर पर, जो लोग घूमने के लिए आएंगे उन कंट्रियों को ये वीज़े की सुविधा दी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ घूमने आएंगे, तो घूमने के बाद में उनका टाइम पूरा हो जाएगा, वो यहीं पर काम करने लगेंगे। तो इन कंट्रियों का नाम इसमें शामिल नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रियाँ। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को ये वीज़ा मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सऊदी अरब ने इसी वजह से इन कंट्रियों को ये वीज़े नहीं दिए हैं। जिन कंट्रियों से वर्कर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उन कंट्रियों को ये सुविधा नहीं दी गई है ऑनलाइन विज़िट वीज़े की। क्योंकि सऊदी अरब में कोई उम्र वीज़े पर भी आता है, तो उसके बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उम्र वीज़े पर आने के बाद में यहाँ पर काम करने लगते हैं। और एक अपडेट आ रही है इंडिया की राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर दर्जन भर लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जो कि फ़िलिस्तीन के समर्थक में प्रदर्शन कर रहे थे, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दर्जन भर लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। और अपडेट में बताया जा रहा है, अब तक जो इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसमें 2750 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 के आसपास लोग घायल हो चुके हैं अब तक। तो ऐसे काफ़ी सारे केस आ चुके हैं इंडिया के अंदर से, जहां पर फ़िलिस्तीन के समर्थक में लोगों ने प्रदर्शन किया और उन लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। तो ऐसे काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक इमाम को भी गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने एक पोस्ट किया था फ़िलिस्तीन के समर्थक में, और उनको
ख़िलाफ़ FIR भी हो गई। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नई वीडियो आने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।